जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरोफिजियोलॉजी या CNS फिजियोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको बताया कि तीन पोर्शन में डिवाइड होती है, फर्स्ट सेंसरी, देन स्पेशल सेंसेस और देन मोटर आते हैं। अब बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हम MCQ जो कि गाइडन की एज इट इज़ लाइंस आती हैं उनको या तो डिस्कस किया जाए या मार्क किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है और इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आप एक एक चीज़ को कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ो, और वो बहुत रेपिटेशन से, और बंदा वो बाज़ दफ़ा वो मेन पॉइंट स्किप कर देता है। तो बिस्मिल्ला करते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर ये ऐसा जिसमें से कोई बहुत ज़्यादा MCQs का फ्लो नहीं है, बहुत चंद एक MCQ हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो MCQ के हिसाब से मैं डायरेक्ट डिस्कस करूँगा, वो ये आता है कि सोडियम चैनल मैक्सिमम कहाँ होते हैं। ठीक है, तो उसका MCQ का आंसर होगा एक्सोन हाइलेप में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सोडियम चैनल्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर वो पूछें कि केमिकल साइनैप बेहतर होती है या इलेक्ट्रिकल साइनैप, तो उस लिहाज से काफ़ी कंट्रडिक्शन है, लेकिन कहा यह जाता है कंट्रोल्ड वे में जो होती है वो ज़्यादातर जो होती है हमारे पास वो ये वाली होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, उसके बाद बाई डायरेक्शनल कौन सी होती है, ये वाला MCQs आपके अक्सर उकात पूछा जाता है कि साइनैप्स में दोनों तरफ कौन कौन से किस साइनैप में दोनों तरफ जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो सकती है, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल है, इसी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर कहा जाता है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जो कैटाइन चैनल्स होते हैं उनको हम एक्साइटेटरी कहते हैं, और जो एनाइन होते हैं उन्हें हम इनहिबिटरी कहते हैं। ठीक है जी, और जो सेकंड मैसेंजर का सिस्टम होता है उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है जी, अब कुछ MCQ पॉइंट यहाँ पे भी हैं, ये भी आपको मैं ज़रा सा थोड़ा सा दिखा दूँ। इसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है कि जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप है इसमें MCQ में पॉइंट कहाँ क्या आता है। एक तो ये आता है कि साइनैप्टिक डिले किस में होता है, वो ज़्यादा किस में होता है, वो केमिकल में होता है। ठीक है, इसमें कम होता है। अच्छा, उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना होता है केमिकल में और इसमें, ये बात पूछी गई है। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे वो पूछते हैं कि जो गैबा और जो ग्लाइसिन होते हैं वो बेसिकली इनहिबिटरी पोटेशनल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेशनल में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। गैबा एंड ग्लाइसिन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, IPSP या इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेशनल में। ओके, ये याद रखिएगा, ये भी MCQ में आता है। अच्छा, अक्सर उकाद ये पूछा जाता है कि जो ओपोइड होते हैं, ये MCQ पॉइंट है, जो ओपोइड होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बीटा एंडोर्फिन होता है, इधर से ल्यूसीन इनकैफेलिन और मिथियोनिन इनकैफेलिन, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो कि ओपोइड में आती हैं। ओपोइड लाइक सिर्फ ये दो होते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है आपके के पिचुट्री में से कौन सा ओपोइड निकलता है, तो एक ही निकलता है एंडोर्फिन। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। ये वो MCQ पॉइंट हैं जो मोस्टली आ जाते हैं और आए भी हुए हैं बहुत सारे इसमें से। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो आपको अच्छा MCQ के लिए आएगा। ओके, यहाँ पर MCQ पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबमिशन है उसकी दो टाइप्स तो होती हैं, ये बात तो आपको समझ में आती है। अब सबमिशन में दो टाइप्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एक सिंगल, मतलब बहुत सारे ऐसे कि जैसे एक ये है ना, बहुत सारे इसके ऐसे समझ लें कि एक फाइबर्स हैं। अब इन्होंने जाके किसी एक फाइबर को स्टिमुलेट करना है। अब कौन सी टाइप है जिसमें सिर्फ एक फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं, सारे मिलके एक को करते हैं। ठीक है, वो होती है टेम्पोरल, और सारे मिलके डिफरेंट को करेंगे, मतलब मल्टीपल फाइबर्स को आगे स्टिमुलेट करेंगे, वो होती है स्टेम्पोरल, सॉरी स्पेटियल। एक को करेंगे तो टेम्पोरल, बहुत ज़्यादा को करेंगे तो स्पेटियल। ओके, सिनेप्टिक डिले यूजुअली कितना होता है, 0.5 मिली सेकेंड का, ये आपने सारा MCQ के हिसाब से अपने जेहन में रखना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। अच्छा, एज इट इज़ आपको लाइन दे के ये पूछा जाता है, द स्पेसिफिटी ऑफ द नर्व फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वन मोडलिटीज ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड लेबल लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको यही ऐसे ही
एमसीक्यू में पूछा जाता है। अच्छा, एक एमसीक्यू और दिया जाता है, गैमा इफ्रंट सिस्टम इज एक्साइटेड बाय बल्बो रेटिकुलो फैसिलिटेटरी रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। इसको आप ऐसे लिख लें, ये ऐसी ही लाइन आती है कि गैमा इफ्रंट सिस्टम इज एक्साइटेड बाय बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। ओके, देन हम आगे मूव कर जाते हैं। आगे बहुत सारे एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता भी है, जिन्होंने 2021 का प्रॉफ दिया होगा उनको एज इट इज़ ये एमसीक्यू आया था कि जो रफनी कॉर्पसल्स हैं वो प्रोलॉन्ग टच और डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ जॉइंट को हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मीजनर कॉर्पसल्स क्या होते हैं। अब मीजनर कॉर्पसल्स बेसिकली सेंसिटिव होते हैं टू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन और फिंगर टिप पे होते हैं। ऐसे ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा। पेसिनियन कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर हैं। मतलब ये कह लें कि अगर मैंने अपने हाथ एक्सपोज कर लें कहीं पे, हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है पेसिनियन, अगर मैंने ऐसे लगाया है तो विद इन 1/10 ऑफ द सेकेंड ये अडॉप्ट कर लेंगे कि मैंने अब ज़्यादा इसको रिस्पॉन्स नहीं देना। अडॉप्टेशन का मतलब ये होता है किसी भी स्टिमुलस को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना। ओके, रफनी का आपको हो गया आइडिया। फ्री एंडिंग पेन सेंसिटिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नॉन कैप्सुलेटेड एक मार्कर्स होते हैं और एक फ्री एंडिंग्स होते हैं, ये दोनों एमसीक्यू में बेतहाशा बार पूछे जाते हैं। ओके, अब फास्ट और स्लो कौन कौन से होते हैं। फास्ट होते हैं पसीनियन, मेजनर और हेयर फॉलिकल। स्लो कौन से होते हैं, स्लो होते हैं बेसिकली पेन रिसेप्टर मार्कर और रफनी कॉर्पसल्स। ओके, एक एमसीक्यू और याद रखिएगा, ओस्मोलैरिटी के लिए कौन सा यूज़ होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि वो यूज़ होता है न्यूरॉन इन नियर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, बाकी जो है इस डब्बे इस बॉक्स में वो मैंने आपको बता दिए। ओके, देन एमसीक्यू हम और देख लेते हैं। ये वही जो मैंने आपको पहले बता दिया कि रैपिडली कौन सा ज़्यादा होता है और स्लो कौन सा होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू है, स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर डिटेक्ट कंटिन्यूसली कंटिन्यू स्टिमुलस स्ट्रेंथ द टोनिक रिसेप्टर। जो टोनिक रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो ये होते हैं कि वो स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर होते हैं। मतलब कि कोई भी स्टिमुलस जब आती है तो वो बहुत स्लो, मतलब कि कोई आपको सपोज कर लें कि एक यहाँ पे एक चीज़ पड़ी है जिसके ऊपर रिसेप्टर पड़े हुए हैं, टोनिक रिसेप्टर। अब ऊपर से जो है वो एक स्टिमुलस आ रही है, अब इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना ये कितनी देर में बंद करते हैं, ये इसकी अडॉप्टेशन की स्पीड है। ठीक है, इस स्टिमुलस को ये रिसेप्टर्स कितनी देर में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कितनी देर बाद जाकर रिस्पॉन्स करना बंद करेंगे कि मेरी आदत बन गई है अब मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन स्टिमुलस, ये है पॉइंट आपका। यहाँ पे क्या था, कंटिन्यू स्टिमुलस। ठीक है, डिटेक्ट कंटिन्यू स्टिमुलस, स्लोली कौन से करते हैं कंटिन्यूस, रैपिडली अडॉप्टिंग कौन से करते हैं चेंज इन स्टिमुलस में। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए आपने याद रखना है। ओके, अच्छा, उसके बाद हाई डिस्क्रिमिनेशन टच में अमीजनर कॉप्सन इन्वॉल्व होते हैं, सिंपथेटिक में टाइप सी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये जो एमसीक्यू पॉइंट हैं तो सही जरूर, लेकिन ये आपको अगले चैप्टर्स में क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन रिक्वायर्ड लोअस्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, नोड ऑफ रेनवेयर, ये इसको सबसे कम थ्रेशोल्ड चाहिए होती है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कि जी एक्साइटेटरी स्टिमुलस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विच इज़ अबाउट 7-9 fiber। ऐसे ही ये लाइन एमसीक्यू में आएगी। सब थ्रेशोल्ड एंड न्यूरॉन्स आर सेट टू बी फैसिलिटेटेड, यही हो गया, ये भी लाइन ऐसे ही आती है। ओके, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है कि द टाइप ऑफ द डाइवर्जेंस ये होती है कि अब एक सपोज कर लेंगे, देखिए जैसे ये एक सिग्नल आ रहा है और ये आके दो में डिवाइड हो रहा है, फिर आगे और में, तो ये डाइवर्जेंस होती है। जो डाइवर्जेंस है वो बेसिकली किस पाथवे में होती है, तो वो बेसिकली कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे में होती है। ये एक एमसीक्यू जो कि मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क कर ले। उसके बाद जब हम आगे आते जाएंगे तो बेसिकली जो आप देखो ना, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप दो मसल्स हैं, अब दोनों मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, अब उसमें
किस तरह का सर्किट अप्लाइड होता है वो एग्जांपल दे के कह सकते हैं। तो उसमें रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट अप्लाइड होता है, ये आपने एमसीक्यू अपने जहन में रखना है। और फिर ये भी पूछ सकते हैं वो कौन सा सर्किट है जो बेसिकली प्रिवेंट करता है ओवर एक्टिविटी इन मैनी पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, इन मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो भी बेसिकली यही इनहिबिटरी ही होता है। ओके ओके, ये एमसीक्यू भी है और एससीक्यू भी है, इसको ऐसा अच्छी पूछा जाता है कि रिलीज ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, जब बहुत लंबे अरसे के लिए न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से रिलीज होते रहते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं जिसकी वजह से उनकी एक्टिवेशन या एक्शन पोटेंशियल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक काम करते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज। ऐसे ही वो पूछेंगे एमसीक्यू बना के। ओके दैट्स इट। सिनेप्टिक फटीग क्या है? सिनेप्टिक फटीग एज ए मीन ऑफ स्टेबलाइजिंग द नर्वस सिस्टम, यही एमसीक्यू आएगा। ओके